इंक्यूबेशन पीरियड 21 डेज का है, यहां से आने तक ये एडल्ट वर्म हो जाएगा। अब वो ये साइकिल फर्टिलाइज एक बॉडी से बाहर आएगा, फिर फिकल के थ्रू, फिकल मैटर के थ्रू आया, तो ये स्वयं में ही एंट्री करेगा, स्वयं से फिर से ही ऐसा साइकिल। यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा दो, मैंने सॉलो किया, इंटेस्टाइन में एंट्री मारा, हिपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू क्या भी क्वेश्चन पूछा इंटेस्टाइन में आया, हिपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू ब्लड के थ्रू हार्ट में आएगा। कौन आ रहा है, ये कौन आ रहा है, वो कंटामिनेटेड फूड, कौन आ रहा है फूड के थ्रू, कौन आ रहा है हार्ट में आएगा, नहीं तो चल रहा है कौन आ रहा है, आ रहा है लंग्स में आएगा, लंग्स के थ्रू जीआई ट्रैक में आएगा, जीआई ट्रैक में ट्रैक किया, फेरिंगिया से थ्रू फेरिंग्स, बाद में इसोफेगस आएगा, इसोफेगस में आके इंटेस्टाइन में आते आते वो एडल्ट हो गया, एडल्ट हो गया, एडल्ट होके फिर वो फर्टिलाइजर में जाएगा उसके थ्रू। आया समझ में? यस सर। सिलेंडर हो गया, जीआई वगैरह ये हो गया, फूड ट्रिक हो गया। नेक्स्ट फाइलेरियासिस और इलेफेंट टेस्ट, हाथी पाय का पेशेंट किसी ने देखा है? हाँ सर, तो हाँ हाँ सर देखा है। यस, ये दो पाँव, दो लेग्स है, बोथ लेग्स, एक को इन्फेक्शन होता है क्या, दोनों को इन्फेक्शन होता है? एक को होता है, एक को ही होता है, पक्का? पक्का। यस सर। गुड, फाइलेरियासिस, व्हाट इज पॉजिटिव एजेंट्स, it is an infectious disease, okay? Yes. It is caused by thread like filarial nematodes. What is nematodes? Nematodes is the worms, round worms. It is caused by thread like filarias nematodes, that is round worms. The group of filarial nematodes which is cause disease are number 1 lymphatic filariasis, subcutaneous filariasis, serous cavity filariasis. ठीक है, wrong one. हाँ, अभी subcutaneous और सीरियस कैविटी आपके बुक में दिया है, देखो लोलोआ ये इसका एग्जांपल है। लोलोआ और सीरियस कैविटी का कौन सा एग्जांपल है? मंसोनेला। नहीं नहीं, सबक्यूटेनस का ही लोलोआ और मंसोनेला एसपीपी, और सीरियस का मंसोनेला एसपीपी, हाँ दोनों में ये ठीक है। अभी ये मेजर फैक्टर है इसका, लिम्फेटिक फिलेरियासिस, इट इज कॉज्ड बाय वर्म विच आर विकेरिया बैंक्रोफ्टी, ब्रुजिया मलाई और ब्रुजिया टिमोरी, ये मेन फैक्टर है, ये आगे जाके ये भी देखना है हमें। हत्तीफाल इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या है वो देखेंगे।
elephantiasis, that is edema with the thickening of the skin or underlying tissues. स्वेलिंग हो जाता है पाँव में और पानी जैसा दिखता है, ऐसा स्वेलिंग है, भरा हुआ है ऐसा, ये इसका मेजर सिम्टम है. एडिमा, एडिमा यानी स्वेलिंग, स्वेलिंग विद द थिकनिंग, थिकनिंग ऑफ द स्किन, स्किन एंड द अंडरलाइन टिश्यूज. इट इज बेसिकली अफेक्ट लेग्स, बराबर है, स्क्रोटम, आर्म, ब्रेस्ट एटसेट्रा. ठीक है, स्क्रोटम पाउच पता है? यस, यहाँ पर टेस्टिस रहते हैं. ठीक है, मेडिकल फील्ड में जाना हो तो ये सब. ठीक है, अफेक्ट लेग्स, स्क्रोटम पाउच, आर्म्स, ब्रेस्ट. इन लिम्फेटिक फिलेरियसिस कॉजेस लिम्फेटिक एनलार्जमेंट ऑफ द लिम्फ वेसल्स एंड नोड्स. फिलेरियसिस में क्या होता है, लिम्फेटिक एनलार्जमेंट हो जाता है किसमें, लिम्फ वेसल्स एंड लिम्फ नोड्स. इसमें क्या हो जाता है, जब ये पाव का साइज बढ़ जाता है तभी क्या हो जाता है, लिम्फ नोड में स्वेलिंग आ जाता है, यानी यहाँ पे गार्ड जैसा आता है, अंडर आर्म के बाजू में, यहाँ पे जांग में गार्ड जैसा आ जाता है ये इसमें, क्योंकि ड्यू टू इन्फेक्शन इन द लेग. ओके, पाव में या पाव में, हाथ में किधर भी वुंड हुआ, जख्म हुआ, तो उसके वजह से भी लिम्फ नोड में स्वेलिंग आ जाता है, लिम्फ वेसल में और लिम्फ नोड में. जो ऐसा बीन लाइक स्ट्रक्चर पढ़ा है ना लास्ट लेक्चर में, यस, व्हाट इज लिम्फ नोड, बीन शेप, वो बढ़ जाता है. राजमा देखा है क्या, राजमा बीन शेप. लिम्फेडेमा, दैट इज एक्युमुलेशन ऑफ द लिम्फ फ्लूइड इन द टिश्यू कॉजिंग स्वेलिंग, स्वेलिंग वो तो बताया. हाइड्रोसिल, व्हाट इज हाइड्रोसिल, हाइड्रोसिल मेल में होगा या फीमेल में होगा, मेल में, हाउ कम, टेस्टिस में, टेस्टिस एनलार्ज्ड है, ऐसे ध्यान में रखना. ये हाइड्रोसिल डिजीज है, स्क्रोटम पाउच है ना, ये स्क्रोटम पाउच है ना, टेस्टिस, साइज ऑफ टेस्टिस इंक्रीज हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है, क्योंकि इसके रीजंस क्या है, कुछ मार लग जाना, नहीं तो टाइट कपड़ा पहनना, हमेशा टाइट कपड़ों में रहना, इसके वजह से ही हो जाता है. दैट इज हाइड्रोसिल, हाइड्रोसिल टेस्टिस आर द इनलार्ज, साइज बढ़ जाता है. मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसा है, ये फिलेरियसिस है ना, किसकी वजह से, कौन से मॉस्किटो से होता है, क्यूलेक्स मॉस्किटो. ये बुक में नहीं है आपके, लेकिन सीईटी में पूछ सकते हैं, क्यूलेक्स बुक में है क्या, क्यूलेक्स है सर, है सर, क्यूलेक्स मॉस्किटो फीमेल, सभी फीमेल है, बच के रहना, मलेरिया में है, फिलेरियसिस में है, और नेक्स्ट कौन सा है, डेंगू में, डेंगू में कौन सा है, एडिस, एडिस, क्यूलेक्स, ये ध्यान में रखना है, क्यूलेक्स मॉस्किटो. इनक्यूबेशन पीरियड कैन बी एज लॉन्ग एज 8 to 16 months. इसका कितना था, एस्केरिस का, इसका मलेरिया ना, अरे इसके पहले क्या से पढ़ा, एस्केरिस, एस्केरिस में कितना, एस्केरिस का कितना था, 3 to 14 days, और इसमें 8 to 16 months है. ये देखो अभी ये यहाँ का ये स्ट्रक्चर देखो, ये कैसा होता है, मॉस्किटो बाइट होता है, ह्यूमन में आ जाता है, अगर द लार्वा ह्यूमन स्किन में एंट्री हो जाता है, टू माउंटेन्स बिफोर दे बिकम एडल्ट, एडल्ट होने तक, एडल्ट होने के बाद 5 नंबर देखो, माइक्रोफिलरी पेनिट्रेट.